बॉलीवुड के जबरदस्त एक्टर्स में से एक अनुपम खेर भी हैं। अनुपम इन दिनों अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि एक ऐसा भी समय था जब उन्होंने ऑडिशन देने के लिए पैसे चुराए थे। ये बात अनुपम खेर के कॉलेज के दिनों की है। तब वह हिमाचल प्रदेश में रहते थे। एक दिन अनुपम ने पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑडिशन देने के लिए अपनी माँ से 118 रुपए की चोरी की थी। एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि पेरेंट्स से किराए के पैसे मांगने की उनकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने पैसे चुरा लिए थे। ऑडिशन के विज्ञापन में वादा किया गया था कि सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को 200 रुपए मिलेंगे। हालांकि अनुपम की इस हरकत के बारे में पता चलने के बाद उनकी मां ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। अनुपम खेर ने शिमला में स्कूल की पढ़ाई की थी। हालांकि उन्होंने चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में थिएटर की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज को बीच में छोड़ दिया था। बाद में उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया था। अनुपम खेर ने बताया था कि मैं स्पोर्ट्स में खास नहीं था, जिस फील्ड में मैंने कमाल किया वो ड्रामेटिक्स था। जब मुझे हिमाचल यूनिवर्सिटी का बेस्ट एक्टर घोषित किया गया, मैं शिमला के सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने उस यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में दाखिला लिया था। जब मैंने इंडियन थिएटर के डिपार्टमेंट का विज्ञापन देखा, वो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी का विज्ञापन था। वो लोग स्टूडेंट्स को वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे और सेलेक्ट होने वाले बच्चों को 200 रुपए की स्कॉलरशिप दे रहे थे। मेरे अंदर अपने पेरेंट्स को पूछने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने अपनी माँ के मंदिर में रखे 118 रुपए चुरा लिए थे और पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया था। उन्होंने आगे बताया, मुझे याद है कि वहाँ लड़के और लड़कियों के लिए अलग सीन्स थे। मैंने देखा और लड़की वाले सीन को करके दिखाया। उस पैनल में बलवंत गार्गी थे, जिन्होंने कहा था कि मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब था, लेकिन डेयरिंग भी था। मैं शाम को घर वापस आया तो देखा कि मेरे पेरेंट्स ने पुलिस को बुला लिया है। मेरी माँ ने मुझे पूछा कि क्या मैंने पैसे लिए हैं और मैं साफ मना कर दिया। एक हफ्ते बाद मेरे पिता ने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम उस दिन कहाँ गए थे? मैंने उन्हें पूरा सच बता दिया, जिसके बाद मेरी माँ ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा था। मेरे पिता ने उन्हें कहा, चिंता मत करो, ये 200 रुपए की स्कॉलरशिप लेकर आ रहा है, तुम्हें 100 रुपए वापस करेगा। तब मुझे एडमिशन के बारे में पता चला था। अनुपम खेर के शुरुआती दिन काफ़ी स्ट्रगलिंग रहे हैं। इस बीच अनुपम खेर ने एक वीडियो अपने ट्विटर के जरिए साझा करते हुए लिखा है कि मुंबई के तारदेव रोड पर एक छोटा सा मंदिर है, जहां मैं अपने स्ट्रगल के दिनों में काम के लिए प्रार्थना करने जाता था। आज बहुत साल बाद एक बार फिर प्रभु राम की शरण में आशीर्वाद के लिए रुका। बहुत अच्छा लगा बाकी भक्तों के साथ पूजा करके। प्रभु आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़।